आज की इस वीडियो में अपने पास यहाँ पे है H16 ड्रोन जो कि फुली ब्रशलेस मोटर ड्रोन है एंड बहुत ही अच्छा ड्रोन है। तो यहाँ पे जो उसका मेन हाईलाइट फीचर है यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स के ऊपर ही मेंशन किया हुआ है। तो इसमें मिलता है हमें HD कैमरा, ऐप कंट्रोल, फोल्डेबल बॉडी, ब्रशलेस मोटर और इसमें मिलता है हमें 360 रोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मिलता है हमें 360 रोल। तो दोस्तों जो अपना ड्रोन है वो कुछ स्टंट भी कर सकता है, 360 रोल कर सकता है। और दोस्तों इसमें मिलता है हमें एयर प्रेशर फिक्स हाइट, अगर अच्छी खासी हवा चल रही है तो उस कंडीशन में जो अपना ड्रोन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक जगह स्टेबल होकर फ्लाई कर पाएगा। चलिए बिना कोई देरी किए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं ड्रोन कैसा है, फ्लाई करके चेक करते हैं कैमरा क्वालिटी कैसा है, ड्रोन कैसा फ्लाई कर रहा है। वैसे यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं, अभी मिलता है एक प्यारा सा कैरी बैग ब्लैक कलर का। कैरी बैग का क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से अपने बैग को कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए अब इस कैरी बैग को भी ओपन करते हैं और देखते हैं ड्रोन कैसा है। तो गाइस ये रहा अपना ड्रोन और ट्रांसमीटर बैटरी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉम्बो पैक ऑर्डर किया हुआ था कुछ एक्स्ट्रा पे करके, तो यहाँ डबल बैटरी मिला हुआ है। अगर आपको भी चाहिए डबल बैटरी तो आपको कॉम्बो पैक ऑर्डर करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा पे करके। तो चलिए वन बाई वन यहाँ पे ड्रोन बैटरी ट्रांसमीटर सबको बाहर निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे मैं आपको वन बाई वन जो भी डिटेल्स हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ड्रोन ट्रांसमीटर बैटरी का सब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे कुछ हमें एक्स्ट्रा प्रोपेलर और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे एसेसरीज मिली हुई हैं, तो चलिए इसको भी ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें इस पैकेट में क्या क्या मिला हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मिलता है हमें एक USB केबल बैटरी को चार्ज करने के लिए। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से अपने बैटरी को चार्ज लगा सकते हो, जैसे आप बैटरी को चार्ज लगाओगे यहाँ पे इसमें एक रेड कलर का LED यहाँ पे ग्लो होगा और आप जान पाओगे कि जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है। LED बंद होते ही अपना जो बैटरी है फुल चार्ज हो जाता है। और गाइस यहाँ पे मिलता है हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर, अगर हमारा ड्रोन फ्लाई करते टाइम क्रैश हो जाता है, प्रोपेलर टूट जाते हैं, तो बहुत ही हम अपने ड्रोन के प्रोपेलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक स्क्रूड्राइवर भी मिलता है ताकि अपने हम प्रोपेलर को कुछ इस तरीके से चेंज कर पाएँ। और गाइस यहाँ पे मिलता है हमें एक ऐप ऑपरेटिंग गाइड, अपने ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है, ऐप के साथ में कैसे वो कनेक्ट करना है, सब इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल्स है इसमें सब मेंशन किया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप बहुत इस चीज़ को पढ़ के अपने ड्रोन को ऐप के साथ में कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कनेक्ट करना है। वैसे भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है, कैसे आपको अपने फ़ोन के साथ में कनेक्ट करना है। और बस यहाँ भी मिलता है हमें एक यूजर मैनुअल गाइड, अपने ड्रोन ट्रांसमीटर बैटरी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप बहुत इजीली इसको पढ़ के जान पाओगे कि आपको अपने ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है, बैटरी को कितना चार्ज करना है, कितना रेंज है, क्या है, जो भी है इसमें सब इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है। आप बहुत इजीली विदाउट किसी का हेल्प ये ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो इस यूजर मैनुअल गाइड को पढ़ के। ये रहा अपना मेन ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर के ऊपर यहाँ भी मिल जाता है हमें फोल्डेबल एंटीना और इसमें मिल जाता है हमें यहाँ पे फोन होल्डर। फोन भी इसमें हम बहुत इजीली इसमें लगा के अपने ड्रोन का जो लाइव फुटेज है बहुत इजीली हम इसमें देख सकते हैं। फोन होल्डर का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है ताकि अपना फोन गिरे नहीं। यहाँ पे हमें नीचे साइड मिल जाता है अपने जॉयस्टिक का नॉब, जैसे DJI के ड्रोन अपने जॉयस्टिक दिए होते हैं कुछ इस तरीके से, इसमें भी यहाँ पे नॉब नीचे साइड में मिलता है हमें। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसमें लगा के अपने ड्रोन को जॉयस्टिक की मदद से अप डाउन लेफ्ट राइट जो भी करना है हम कर सकते हैं। इसमें मिलता है हमें कुछ की, आप देख सकते हो, आपको की के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इसके यूजर मैनुअल गाइड में बहुत इजीली पढ़ के जान सकते हो कि जो की दिया हुआ है अपने ट्रांसमीटर में कैसे यूज करना है। और गाइस यहाँ पे ड्रोन के बैक साइड मिल जाता है यहाँ पे हमें बैटरी बॉक्स, इस बैटरी बॉक्स में 3 सेल लगते हैं डबल ए साइज, तो यहाँ पे मैंने पहले इसमें ला के रखा हुआ है। तो ये रहा ड्रोन और ड्रोन के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रोन का नेम H16 ब्रशलेस। तो चलिए अब ड्रोन को यहाँ पे अनफोल्ड करते हैं और देखते हैं ड्रोन कैसे है। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपना ड्रोन यहाँ पे अनफोल्ड हो जाता है और ड्रोन का जो वेट है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड बहुत ही हल्का है, आप देख सकते हो। और ड्रोन के फ्रंट साइड मिल जाता है हमें 2 LED यहाँ पे देख सकते हो आप। इसके से नीचे यहाँ पे है HD कैमरा और जो कैमरा है आपको अपने हाथ से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने ट्रांसमीटर की मदद से ये एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि जो कैमरा है इसमें कोई भी मैगनीजियम कोई भी मोटर अंदर नहीं लगा हुआ है। ड्रोन के नीचे साइड में लगा हुआ है एक सेंसर ताकि जो अपना ड्रोन है वो क्रैश होने से थोड़ा सा बच पाए, अगर कोई भी ऑप्टिकल चीज़ ड्रोन के नीचे आता है तो ड्रोन अपना क्रैश नहीं होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेंसर इसमें लगाया गया है। तो कैसे यहाँ पे ड्रोन के आर्म्स में कुछ यहाँ पे LED लगा हुआ है, आप देख सकते हो, जो ड्रोन है अपना रात में फ्लाई करते टाइम अपने ड्रोन को हम देख पाएंगे अपने ड्रोन का फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है। जो ड्रोन के आर्म्स हैं इसमें बैक साइड में रेड LED लगे हुए हैं और फ्रंट साइड में ग्रीन LED लगे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो अपना ड्रोन का बैटरी है इसमें इंसर्ट होगा। और गाइस यहाँ पे ड्रोन के ऊपर यहाँ पे हमें पावर की देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे पावर की को थोड़ा सा होल्ड करके रखोगे यहाँ पे जो अपना ड्रोन है वो ऑन हो जाता है और ऑन होते ही यहाँ पे देख सकते हो कुछ LED यहाँ पे ब्लिंक्स कर रही हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो LED ब्लिंक कर रहा है
अगर हमारा ट्रांसमीटर और जो रिमोट है बाइंड हो जाएगा तो जो लेडी यहाँ ब्लिंक कर रहे हैं वो ब्लिंक करना बंद कर देते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के आपको बताते हैं कि आपको अपना ड्रोन जो है वो ऐप के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, कौन सा आपको ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और कैसे फ्लाई करना है फ़ोन के साथ में। तो फाइनली गाइस आपको आ जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है H16 ड्रोन। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करते हो H16 ड्रोन, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही टॉप में ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा H16 ड्रोन ऐप। आपको उस प्लीज पे क्लिक कर लेना है, क्लिक करके सर्च कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड नंबर पे जो ऐप है आपको इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, वाईफाई UAV। तो सिंपली आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जो अपना ऐप है इंस्टॉल हो रहा है आप देख सकते हो। और तो गाइस यहाँ पर जो अपना ऐप है ये इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे डायरेक्ट, और ओपन होने के बाद में यहाँ पे जो ये परमिशन मांग रहा है ऐप, आपको सब परमिशन यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में जो वाईफाई है उसको ओपन कर लेना है क्लिक करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको वाईफाई के अंदर आ जाना है, और आपको सर्च करना है अपने ड्रोन का नेम। यहाँ पे आपका जो ड्रोन का नेम है आप सिंपली आज भी आप दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना ड्रोन है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। थोड़ा समय वेट करना है, और वेट यहाँ पे देख सकते हो फाइनली जो ड्रोन है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है अपने फ़ोन के साथ में। और यहाँ पे हो जाना है बैक, हमें यहाँ पे सिंपली हमें जो स्टार्ट वाला बटन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ड्रोन का लाइव फुटेज है यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो कैमरा का क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, इस प्राइस रेंज में जो ड्रोन का क्वालिटी है गाइस बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो HD, यहाँ पे HD कैमरा जैसे बोला गया है कि HD कैमरा अपना ड्रोन इसमें मिला हुआ है, तो यहाँ पे HD क्वालिटी दे रहा है आप देख सकते हो। तो इस प्राइस रेंज में जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं ड्रोन को थोड़ा सा इधर उधर घुमा रहा हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पे लैगिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा भी नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं ड्रोन को घुमा रहा हूँ यहाँ पे लाइव फुटेज दिखा रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। और बस यहाँ पे हम अपने फ़ोन से अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो जॉयस्टिक यहाँ पे आ चुका है। सिंपली आप ड्रोन को यहाँ पे आर्म करके जो इस साइड यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे एक लोगो दिया हुआ है, जिसे आप क्लिक करते हो जो अपना ड्रोन है वहाँ पर 1 गियर टेक ऑफ हो जाता है। और यहाँ पे जो जो जॉयस्टिक है फ़ोन में, आप जॉयस्टिक से अपने ड्रोन को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो भी करना है आप कर सकते हो। तो चलिए बिना कोई देरी किए आप ड्रोन को लेकर चलते हैं ग्राउंड में, और देखते हैं अपना ड्रोन कैसा फ्लाई कर रहा है। तो फाइनली गाइस जो अपना ड्रोन है यहाँ पे हम लोग ग्राउंड लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से अपने ड्रोन को यहाँ पे आर्म करना है, आप देख सकते हो जॉयस्टिक को अंदर थोड़ा प्रेस करना है। प्रेस करते ही आपका जो ड्रोन है यहाँ पे आर्म हो जाता है। आर्म होते ही आपको यहाँ पे जॉयस्टिक को थोड़ा सा अप करना है, और जो अपना ड्रोन है यहाँ पे फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है। और ड्रोन फ्लाई करते ही यहाँ पे आप अपने जॉयस्टिक में से ड्रोन को अप डाउन ऊपर नीचे जो भी करना है आप अपने तरीके से फ्लाई कर सकते हो। तो गाइस ड्रोन का जो क्वालिटी है गाइस बहुत ही अच्छा है, इतनी कम प्राइस में क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन मार्केट से कहीं से भी बाय कर सकते हो। और दोस्तों जो ये ड्रोन है 10 मिनट तक बहुत इजीली फ्लाई कर सकता है। आपको अपने बैटरी को 1 घंटा चार्ज करना है, और 1 घंटा फुल चार्ज होने के बाद में जो आपका ड्रोन है वो 10 मिनट तक बहुत इजीली फ्लाई होगा। और दोस्तों जो ड्रोन का रेंज है 200 मीटर, हमें रेंज बहुत मिल जाता है। आप 200 मीटर के अंदर अपने ड्रोन को बहुत इजीली फ्लाई कर सकते हो, 200 मीटर के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। जैसे 200 मीटर के अंदर ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है, आप डिसकनेक्ट होता है, आपका जो ड्रोन है ऑटोमेटिक वहीं पर लैंड हो जाता है डिसकनेक्ट होने के बाद में। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यहाँ पर चलिए थोड़ा सा ड्रोन को फ्लाई करते हैं, थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं। हेलो।